गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू धनलक्ष्मी होम कुक। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल को देखने आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आज हम क्या बनाएंगे बताइए। आज हम कुंदरू की सब्जी बनाएंगे। तो उसके लिए कटे हुए कुंदरू, कटे हुए प्याज, मिर्ची, लहसुन और करी पत्ता लेके रेडी रख ले। कुंदरू को धो पोछ के अच्छे से काट ले। गैस जलाकर ऑयल गरम करें। कढ़ाई रख के ऑयल गरम होने पर जीरा सरसों को अच्छे से फ्राई कर ले। प्याज, कच्ची मिर्ची, लहसुन और करी पत्ता की वो डाल के फ्राई कर ले अच्छे से। जीरा सरसों फ्राई होने के बाद देखिए पूरा फ्राई नहीं होना है, जस्ट लाइट कलर बदल जाए तो इसमें डालना है कुंदरू कटे हुए। अभी फ्राई हो रहा है, कुंदरू डाल के अच्छे से चलाए। कुंदरू डालने के तुरंत बाद ही नमक को, पूरे सब्जी के लिए जितना लगेगा उतना नमक को भी डाल ले। अब अच्छा से इसे चला के ढक के 10 मिनट तक कुक करें, बीच बीच में चलाते रहे। देखिए पूरे 10 मिनट के बाद इसका कलर बदल गया, ये हाफ अभी कुक हुआ है। इसी समय हम लोग इसमें हल्दी और मिर्ची पाउडर डालते हैं, क्योंकि मिर्ची और हल्दी पहले नहीं डालना। इसमें नमक डालेंगे पहले तो अच्छा कुक हुआ। शुरू में हम लोग नमक डाल लिए, इसमें कुछ मसाले नहीं लगेंगे। पहले जीरा डाले वही काफ़ी इसके लिए, बाकी जीरा सरसों नमक हो जाता है इसके लिए। अब इसको ढक के और 5 मिनट तक कुक करते हैं चलाने के बाद। देखिए तैयार हो गया सब्जी, कुंदरू की सब्जी। अब इसे लंच में, डिनर में बना सकते हो। इसे मैं आज सोमवार है लंच में बनाई हूँ। इसी तरह से आप बना के टेस्टी टेस्टी खाए, हेल्दी हेल्दी टेस्टी खाए। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें। वीडियो मेरे कुकिंग, अगर मेरे खाना बनाने का तरीका पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।